भगवान है उसको कोई उंगली पकड़ के मोदी जी राम को लाएंगे या राम मोदी जी को लाएंगे सर, ये समझने बच्चा बच्चा बोलेगा कि ये गलत है। अच्छा ट्रिलियन पार कर, यहाँ तो 3 ट्रिलियन अपना जेब में 3 रुपया नहीं है, ट्रिलियन पार कर जाएगा। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो और ट्रिलियन की बात कर रहे हो। गरीबों की संख्या बढ़ रही है, अब वो आंकड़ा आप जो भी मान लो उसको, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और ये दिखा रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है कि बेरोजगार। इस प्रकार युवा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार लाठियां उनके ऊपर बरपा रही है। जो अपने मेहनत कश मजदूर की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो कैसे मजबूत हाथों में होगा? वो अडानी और अंबानी के लिए मजबूत हाथों में है। सरकार की विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो DTA हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ASI हो, पुरातत्व विभाग हो, हर एक एजेंसी गरीब तबके पर, दलित आदिवासी माइनॉरिटी तबके की बस्तियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। गरीबों के राम अयोध्या में आए, लोगों ने बहुत अपनी वाहवाही लूट ली पर उनका लाइसेंस ज्यादा दिन तक नहीं चला। अरे असली राम तो हमारे घरों में बैठा हुआ है, जिनके मंदिर को तुम लोगों ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। आपने उसको लैपटॉप दे दिया, आपने कहीं किसी को एक मोबाइल दे दिया, फिर उसके घर पे आप सर्वे करने जा रहे हैं। आपके पास क्या है कि लैपटॉप है, ले आजा बेटा, तू गरीबी रेखा से नीचे है। नहीं है, तू ऊपर आ गया है, और ले ले तेरा लैपटॉप वापस। या खाना खाने के लिए हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम्हारा जो 2013 का कानून है वो धूल चाट रहा है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए हाथ मिलाकर तो वाहवाही पूरे देश में लूटी जा रही है। आज जंतर मंतर पर अमीर नहीं आया, जंतर मंतर पर गरीब आया, जिसका घर टूटा, रोटी का टुकड़ा जिसके हाथ में नहीं है। सुबह से हम लोग भूखे बैठे हुए, इधर जांच करवा ली जाए हमारी, हमने पानी के अलावा अगर कुछ खाया पिया हो तो। मेरा नाम निर्मल अग्नि है और मजदूर आवाज संघर्ष समिति और फाइट इनइक्वालिटी अलायंस इंडिया के साथ में मैं काम करता हूँ। आज यहाँ पर वर्किंग पीपल्स चार्टर के आह्वान पर मेहनतकश तबके को इकट्ठा किया गया जंतर मंतर पर, और एक बहुत बड़ी एक आम सभा, एक पब्लिक मीटिंग यहाँ पर हुई और लोगों ने बहुत पुरजोर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया कि जो लोग इस देश के अंदर कहें कि विकास में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, आज ऐसे हालात हैं कि उनके घरों को सरकार तोड़ रही है। सरकार की विभिन्न एजेंसियाँ, चाहे वो DTA हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ASI हो, पुरातत्व विभाग हो, हर एक एजेंसी गरीब तबके पर, दलित आदिवासी माइनॉरिटी तबके की बस्तियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। बिना पुनर्वास के उनको बेदखल किया जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है कि ये तो कोर्ट के आदेश हैं। पर कोर्ट किस प्रकार के नेगेटिव बयान, नेगेटिव आदेश जारी कर रहा है, इसके कारण क्या है कि यकायक जिस कोर्ट ने कई अरसे से इन तमाम मजदूर बस्तियों को स्टे दे रखा था, यकायक इस सरकार के आते ही ये उल्टा आदेश देना क्यों शुरू कर दिया? कोर्ट को अगर लगता है कि इन तमाम लोगों की ये जमीन नहीं है जहां पर वो रह रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको मानवता के आधार पर भी शहर के अंदर गरीब लोगों का, मजदूरों का हिस्सा मानते हुए उन लोगों को कहीं ना कहीं तो आवास दिया जाए, जमीन दी जाए, ताकि वो लोग अपनी पूर्ण गरिमा के साथ जिंदगी जी सके। जीवन जीने के अधिकार को भला कोई कैसे छीन सकता है? किसी भी कोर्ट ने इनको ये नहीं कहा कि आप पुनर्वास मत दीजिए। आखिर सरकार पुनर्वास के मामले पर असंवेदनशील होती हुई क्यों नजर आ रही है? ये बेपरवाह और लापरवाह सरकार, जहां मजदूरों के घर को तोड़ने के लिए अगर कोर्ट एक बार आदेश करता है, यमुना खादर बेला स्टेट जहां पर लोगों को कम से कम 10-10, 15-15 बार आकर डिमोलिश कर दिया गया, उनके मलबे को भी तोड़ा जा रहा है, उनके बर्तन को तोड़ा जा रहा है, अरे वो जाएंगे कहां? ये जवाब इस देश की सरकार के पास और देश की अदालत के पास नहीं है, तो लगता है कि ये पूरा का पूरा देश मानवता से सूख गया है, मानवता से परे हो गया है और इस प्रकार के असंवेदनशील, कठोर, बेपरवाह, लापरवाह प्रकार आदेश जारी करके यहाँ की जनता को सताया जा रहा है। इस देश में सरकार का राज करना, जनता को आराम से रखना, आनंद से रखना, प्रसन्नता से रखना, उनके अधिकारों के साथ आनंदपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना है या उनको सताना है, ये सवाल सरकार से मीडिया के साथियों को पूछना चाहिए। देखिए, सरकार अपना वोट बटोरने के लिए कि किस प्रकार से वोट लिया जाए, आपको पता है कि देश की जो जनसंख्या है उसमें गरीब लोग कितने हैं, गरीबों की संख्या कितनी ज़्यादा है, किस प्रकार से गरीब लोगों को इस प्रकार का लालच देकर, लुभावने, सुहावने और स्वर्णिम नारे लगाकर उनको जो है बहकाया जाए, भटकाया जाए, उनका दुरुपयोग किया जाए, उनके वोट का गलत इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जा रहा है, और इन्हीं लोगों के दम पर जो सरकार आई है, आज इनको अवैध बता रही है, आज इनकी बस्तियों को अवैध बता रही है, और अब उनको जो है घर तोड़ते हुए आप देख सकते, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, उन तमाम लोगों के पास घर नहीं रहे, वो बेघर हो गए। तो बेघरों के लिए सरकार का क्या प्लान है वो शेयर करे सरकार।
कहां बेघरों को सरकार ने आश्रय दिया, कहां उनको पुनर्वासित किया, सरकार इसका जवाब दे। देश सुरक्षित हाथों में है, ये सवाल तो एक मजदूर से पूछा जाए किस देश सुरक्षित हाथों में है या असुरक्षित हाथों में है। जब इस देश में किसी गरीब व्यक्ति का किसी नाले के किनारे, किसी गांव के बाहर, किसी शहर के किनारे पे घर बना हुआ है, और वो घर भी इतनी ऐसी जगह पर बना हुआ जहां जानवर का रहना भी बहुत मुश्किल है, वहां से भी इंसान को मार कर, उसको बुलडोजर उसके छप्पर पर चढ़ाकर, उसकी प्लास्टिक का घर तोड़कर अगर उसको बेदखल किया जा रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि ये सुरक्षित है या असुरक्षित है। इसका जवाब तो आसानी से मिल जाएगा। देखिए, आज हम आए हैं कि इस देश में जो दिहाड़ी मारने वाला एक मेहनतकश असंगठित क्षेत्र का मजदूर कहें या संगठित क्षेत्र का मजदूर कहें, कम से कम 1,000 रुपया दिहाड़ी 8 घंटे की होना चाहिए। रेप्टा को जजमेंट जो कि इस देश की सबसे सर्वोच्च अदालत दे रही है और जो कि न्यूनतम मजदूरी के फिक्सेशन की बात करती है, उसके उसको फिक्स करने की बात करती है, मिनिमम वेज को फिक्स करने की, निर्धारण करने की बात करती है, आखिर उस आधार पर क्यों नहीं न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। अब हमको 1,000 रुपया सम्मानजनक मजदूरी चाहिए, ये 200 रुपये 400 रुपये नहीं चलेगी। दूसरा जो मांग आया है कि किस प्रकार से इस देश में जबरन बेदखली सरेआम हो रही है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये फोर्स एविक्शन को रोकने की मांग करते हैं। तीसरी मांग हम कर रहे हैं कि जिन जिन श्रमिकों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, लगभग अगर हम देख के जाएं, इस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुका है। मेहनतकश इस वर्क फोर्स का एक बड़ा तबका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुका है, करोड़ों की तादाद में उनका संख्या है। आप उनको क्यों नहीं पेंशन देना शुरू कर रहे हैं? ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड मजदूरों को कम से कम 12,500 रुपये पेंशन देना शुरू करना चाहिए। ये मांग हम आज यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं कि देश में कोई भी कानून नहीं है जो हाउसिंग की गारंटी देता है, इसलिए देश की अदालतें भी ऐसा बयान देती है कि इनका जो है बेदखली कर दी जाए। अगर ये कानून होता तो देश की अदालत बाध्य होती कानून के तहत और इस प्रकार के आदेश नहीं दे पाती। हम मांग करते हैं हाउसिंग की गारंटी का कानून बनाए ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना घर के न रहा जाए। हम आज यहाँ पर आए हैं और ये मांग कर रहे हैं किस प्रकार से देश में नरेगा है, वैसे शहरों के अंदर नरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी लेके आए सरकार, और यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है कि नरेगा को और पतला करो और खत्म कर दो, पर हम मांग कर रहे हैं कि शहरों के अंदर रोजगार पैदा किया जाए। हम मांग कर रहे हैं कि बेरोजगार किस प्रकार युवा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार लाठियां उनके ऊपर बरपा रही है, किस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरा किया। हम मांग करने के लिए आए हैं यहाँ पे कि ये जो 4 श्रम संहिताएं आई हैं, लेबर कोड आए, इनको रद्द किया जाए, ये एंटी लेबर है, ये मजदूर विरोधी, हम लोगों को संहिताएं नहीं चाहिए। हम लोग इसको लेकर 16 मार्च को भी यहाँ पर देशव्यापी ट्रेड यूनियंस हड़ताल करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। वर्किंग पीपल चार्टर और मजदूर आवास संघर्ष समिति, हम ये समर्थन करेंगे 16 मार्च को। क्यों? क्योंकि हम तमाम यहाँ पर लोग आए वो पीड़ित हैं, हम सरकार की इन नीतियों के शिकार हो चुके हैं, और हम लोग भी भारत बंद आह्वान को लेकर आगे निकलेंगे और इसका समर्थन करेंगे। हम यहाँ पर मांग लेकर आए हैं वो जितनी यहाँ पर महिलाएं इस देश में काम कर रही हैं, और वो महिलाएं जो अनपेड वर्कर हैं, जिनको की काम करने की एवज में श्रम की एवज में वेतन ही नहीं मिलता, पैसा ही नहीं मिलता, उन तमाम अनपेड वर्कर के बारे में सरकार सवाल करे, सोचे, और सोशल प्रोटेक्शन का जो सवाल है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो आवास का मुद्दा हो, तत्काल तमाम मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पहल करते हुए पहले सरकार ये तमाम सुविधा मुहैया कराए। और हम लोग मांग करें कि जिन लोगों के घर तोड़ दिए, उन लोगों को एक दिन के हिसाब से एक परिवार को 1,000 रुपया जो कंपनसेशन देना चाहिए, ऐसे कैसे बिना पुनर्वास के तोड़ दिए। दिल्ली शहर के अंदर जहाँ 675 बस्तियां हैं, स्लम्स को ड्यूसिप ने आइडेंटिफाई करके रखा है, अभी जिन बस्तियों को आइडेंटिफाई नहीं किया है, केंद्र की सरकार क्यों नहीं राज्य की सरकार को नोटिस देती? बाकी तो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए केंद्र की सरकार रोज पुलिस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, सीबीआई वगैरह आईडी सब भेज रही है। अब क्या हो गया है, क्यों नहीं ड्यूसिप की इन तमाम
बस्तियों को जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, एक नोटिस भेज के पूछना चाहिए दिल्ली की सरकार को। ये जो काम की बातें हैं ना, ये केंद्र की सरकार कर पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है केंद्र और दिल्ली की सरकार, सीधा सीधा कहें मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार के बीच में जो राजनीति चल रही है, जिसका शिकार दिल्ली का गरीब से गरीब मजदूर हो रहा है, रिक्शा वाला, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामगार, रेक पिकर्स, इन तमाम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, इनकी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, इनका रोजगार छीना जा रहा है, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं, जब दिल्ली की सरकार कोर्ट के अंदर तुगलकाबाद के मामले में कह रही है कि हम पुनर्वास करेंगे, तो जमीन क्यों नहीं दे देते कि केंद्र की सरकार, तो पता तो लग जाए कि दिल्ली की सरकार जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है, सच है या गलत है। अब हम दिल्ली की सरकार को पकड़े कैसे, क्योंकि वो कहती है कि जमीन केंद्र से लेके आओ, घर हम बना देंगे। इन दोनों के मजले में गरीब को किस प्रकार से रथ के पहिए के नीचे कुचला जा रहा है। कहा जा रहा है कि राम आएंगे, गरीबों के राम अयोध्या में आए, लोगों ने बहुत अपनी वाहवाही लूट ली, पर उनका लाइसेंस ज्यादा दिन तक नहीं चला। अरे असली राम तो हमारे घरों में बैठा हुआ है, जिनके मंदिर को तुम लोगों ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। आज हम गरीब लोगों के लिए कहां पर राम और कहां कृष्ण, कहां अल्लाह है, कोई कुछ नहीं। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, केवल अमीरों के लिए पूजा की व्यवस्था, उनके लिए हमारे खाने के लिए रोटी के टुकड़े नहीं। हम भला कहां से पकवान लगाकर भोग लगा ले। सवाल खड़ा हो रहा है गरीब के लिए व्यवस्था सरकार क्या बना रही है, अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए हाथ मिलाकर तो वाहवाही पूरे देश में लूटी जा रही है। आज जंतर मंतर पर अमीर नहीं आया, जंतर मंतर पर गरीब आया, जिसका घर टूटा, रोटी का टुकड़ा जिसके हाथ में नहीं है। सुबह से हम लोग भूखे बैठे हुए, इधर जांच करवा ली जाए हमारी, हमने पानी के अलावा अगर कुछ खाया पिया हो तो। देखिए गरीबी जो कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है, तो यही तो पॉलिटिक्स और ये साजिश जो सरकार रच रही है। हरियाणा के अंदर आप समझ लो किस प्रकार से राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहे हैं। रातों रात एक गरीब झुग्गी के अंदर रहने वाला अंबालाल अंबानी कैसे बन गया, दूसरे दिन में उसके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो अंबालाल उसकी फैमिली का इनकम ज्यादा हो रहा है। कि कैसे ज्यादा हो रहा है, उसके बेटे को भी ले लिया, उसकी बहू को भी ले लिया, उसकी पत्नी को भी ले लिया, और उनको पूछा कितना कितना कमाते हो, उन्होंने बोला साहब कि हम लोग कोई 3,000 कोई 4,000, उन सब की इनकम को उन्होंने जोड़ लिया। वो इनकम जोड़ने के बाद वो रहते तो अलग अलग है, वो अलग अलग झुग्गियों में, उनकी इनकम को क्यों जोड़ा, क्योंकि राशन कार्ड एक होता है, जब इनकम जुड़ती है तो राशन कार्ड कट गया, क्योंकि वो 1,00,000 से ऊपर वाले कैटेगरी में चला गया। तो ये जो गरीबी का जो आंकड़ा आप कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ये सरासर साजिश है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो गणितीय इनकी कैलकुलेशन है, इसको तोड़ तोड़ के अगर देखोगे तो पता लगेगा कि गरीबी जो है वो आंकड़ा बढ़ा है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अब वो आंकड़ा आप जो भी मान लो उसको, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और ये दिखा रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है, तो ये आंकड़ा सरासर गलत है। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना एकदम सही के पैरा, इन्होंने किस प्रकार से कैलकुलेशन की है कि वो कैसे कैसे गरीबी के निर्धारण को करते, यही देश की सरकारें मोबाइलें बांटती है। अरे इनके चोचलेबाजी तो देख लो, एक हाथ पे मोबाइल बांटेंगे, दूसरे हाथ पे लैपटॉप बांटेंगे। हाँ, वही कि जो 80 करोड़ कह रहे हैं कि राशन पे जिंदा है, और वो 80 करोड़ तो गरीब है, तभी ना आप राशन तो दे रहे। पर सवाल क्या है, सवाल मैं ये कह रहा हूँ, आपने उसको लैपटॉप दे दिया, आपने कहीं किसी को एक मोबाइल दे दिया, और फिर उसके घर पे आप सर्वे करने जा रहे हैं, आपके पास क्या है कि लैपटॉप है, ले आजा बेटा, तू गरीबी रेखा से नीचे है, नहीं है अब तू ऊपर आ गया है, और ले ले तेरा लैपटॉप वापस, या खाना खाने के लिए हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम्हारा जो 2013 का कानून है वो धूल चाट रहा है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, और तुम अभी तो और हमारे राशन कार्ड तुम हमसे और छीन रहे हो। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि इस देश में हम लोगों को अभी जो तिल तिल कर मार रहे, ये पूरा जान से मारने पे तुले हुए हैं। हमको सब लोगों को एकता करनी पड़ेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा। अब चुनाव का माहौल आया है, अब ये जो देखो किस प्रकार से ऊंट जो है पर्वत के नीचे आता है, ये आएंगे गरीबों के पास में, गरीब भी इनको जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये तो आप समझ सकते हैं कि मजबूत हैं या किस प्रकार के हाथों में है, कमजोर हाथों में है। जो अपने मेहनतकश मजदूर की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो कैसे मजबूत हाथों में होगा, वो अडानी और अंबानी के लिए मजबूत हाथों में है। एक गरीब इस समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति के लिए देखा जाए तो ये कोई मजबूत हाथों में नहीं है, ये एकदम निठल्ले लोगों के हाथों में। तो ये तो भोले वाले लोगों को ठगने वाली बात है, क्योंकि राम थे, हैं, हमारे पूर्वज हैं, किसी जमाने में थे, अब चले गए, अब वापस कैसे आएंगे? क्या आपका गुजरा हुआ कल वापस आ सकता है, तो राम कैसे आ जाएंगे? हाँ, राम जी का मंदिर बना है, अच्छी बात है, विरोध नहीं है, स्मारक बनना चाहिए,
लेकिन भोले वाले लोगों को आडंबर में फंसा देना, तो मोदी जी राम को उंगली पकड़ के लाएंगे या राम 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 मोदी जी को लेकर, अब ये समझने वाली बात है। भगवान है उसको कोई उंगली पकड़ के मोदी जी राम को लाएंगे या राम मोदी जी को लाएंगे, ये समझने वाली बात। बच्चा बोलेगा कि ये गलत है, क्या ट्रिलियन पार कर, यहाँ तो 3 ट्रिलियन अपना जेब में, 3 रुपया नहीं है, ट्रिलियन पार कर जाएगी। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो और ट्रिलियन की बात कर रहे हो, कहाँ गया आपका, कहाँ गया ये छोटे छोटे जो हम लोग बच्चे लेके घर में झुग्गियों में पड़े हुए हैं, आप ट्रिलियन की बात कर रहे हो क्या, आवाज क्या बढ़ा दिया, जब हम लोग को घर तोड़ के भगा रहे हो, 10 तारीख को भगा रहे थे लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं। आवाज की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कह रहे हैं विकसित भारत, अभी एक नया प्रोपेगंडा छेड़ा है, मुझे लगता नहीं कि इनको शायद विकसित भारत का जो पैरामीटर्स है वो क्या होना चाहिए, विकसित देश के पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ और जमीन कितनी है इनके पास, अमेरिका की जनसंख्या 30-32 करोड़ या 35 करोड़ होगी, उनके पास जमीन कितनी है, चीन की जनसंख्या लगभग 140 करोड़, उनके पास जमीन कितनी है, रूस की जनसंख्या और रूस के पास जमीन कितनी है। तो विकसित होने के कुछ पैरामीटर्स हैं भाई। अस्पतालों में आप देखेंगे, लोग कहते थे पहले कि भाई सरकारी अस्पताल और सुलभ शौचालय एक जैसे होते हैं, हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी आप देखेंगे तो सफाई के मामले में दोनों एक जैसे, कुछ ही अस्पतालों को छोड़ दो। तो विकसित का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी अगर इलाज कराने जा रहा है तो इलाज की वजह से वो मरे ना, कोई भूख से ना मरे, तो विकसित भारत का तो इनका एक प्रोपेगंडा है। रही बात घरों की, को मानता कौन है, कोरोना के टाइम पे सबने देखा, कह रहे कौन 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 प्रधानमंत्री की योजना है, हम तो हम बिना पैसे कुछ करेंगे नहीं, तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप आवास की बात करोगे तो आवास भी तो होने चाहिए विकसित बनाने के लिए, आवास कहाँ है। नहीं, एक काम किया है कि बाहरी हमले नहीं हुए, मैं सहमत हूँ, उसका विरोध नहीं है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ योजनाओं के नाम बदले गए हैं। पहले आधार का विरोध करते थे, फिर आधार आ गया, पहले कहते थे कि हम GST का विरोध, कांग्रेस लेके आने वाली थी, GST का विरोध किया, फिर GST लगा दिया। तो बस लोगों जो योजनाएं हैं उनका नाम बदल के, जैसे वेश बदल के आते हैं ना बहरूपी वाला सीन, और कुछ भी नहीं है बाकी। हाँ, सुरक्षा मिली है, हाँ, नागरिकों पर बाहरी हमले नहीं हुए, इस बात से मैं सहमत हूँ, ये काम जरूर उन्होंने अच्छा किया, बाकी भ्रष्टाचार है पूरा है। मित्रकाल को अमृतकाल कहा जाता है, सोचने वाली बात है, आपातकाल को अमृतकाल आप कह रहे हो, ठग पुरुष को कहते हो आप युग पुरुष, ठग सेवक को कहते हो स्वयं सेवक, ये तो आपकी चोचलेबाजी है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं भाई, जो ठग की सेवा करे वो ठग सेवक, ठग कौन है, ये राजनीति वाले जो नेता हैं वो क्या ठगी नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए BJP का कोई भी नेता कोई ऐसा है जो रोडपति है, जो रोडपति था लेकिन जब से इनके साथ आया करोड़पति हो गया, तो वो ठग है ना, और उसकी जो सेवा करने वाला है वो ठग सेवक है, जो RSS के लोग कहते हैं। 24 में ये जाने वाले हैं मोदी जी, और मुझे लगता है, अब मैं एक चीज और सोचता हूँ, जब सारी चीजें आप सोचते हैं ना तो समझ आता है कि 75 साल हो गए, 76 साल हो गए आजादी को, आखिर बदला क्या, और 400 पार क्यों कह रहे हैं फिर। वो तो एक लोगों के दिमाग में डालने वाली चीज है, जैसे राम का डाल दिया लोगों के, राम के नाम पे बस एक चश्मा चढ़ा दिया, वैसे 400 पार चश्मा चढ़ा दिया। अगर 400 पार कर रहे हो तो UP में आपको जयंत चौधरी की क्या जरूरत, बिहार में आपको नीतीश कुमार की क्या जरूरत। अगर आप जीतने के लिए ही आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे तो आप उनको क्यों लेके आ रहे हैं, 400 पार नहीं, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। आप ये पूछिए कि ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, 400 पार अगर उनको पता है कि हम जीत रहे हैं तो उनको क्या जरूरत जयंत चौधरी के पास जाने की। उनको ये पता हो, अभी आपको पता हो कि आपके पास सब कुछ है, आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास पैसा है, आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, नौकरी क्यों करोगे, क्योंकि वो पैसा बना रहे और आपके खर्चे चलते रहे आपके अगली पीढ़ी के लिए। तो जो 400 पार है ना, वो तो एक जुमला है, इनको अपनी कुर्सी बचाने के लाले पड़ रहे हैं। इस बार ये जाने वाले और नए लोग आए, मैं ये उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल नए लोग, विपक्ष, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन विपक्ष में भी अच्छे नेता हैं और सरकार के साथ हैं उसमें भी कुछ अच्छे नेता हैं, मैं विरोध पूरा नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बस अपनी जेबें और अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ नीति कर रहे हैं। EVM का जो मुद्दा है, EVM के ऊपर सबसे पहले प्रश्न उठाए लाल कृष्ण अडवाणी जी ने, तो लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जो प्रश्न उठाए, तो वो बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उन्हीं की वजह से आज मोदी जी राज कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि BJP चल रही होती। तो अगर उन्होंने सवाल उठाया तो संदेह की बात है, अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होती
तो ये फिर जांच क्यों नहीं करवाते? मैं तकनीकी का विरोधी नहीं हूँ, तकनीकी आनी चाहिए और जो लोगों की सुविधा के लिए सुविधाजनक चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, लेकिन संदेह से परे होनी चाहिए, जिसमें कोई संदेह ना हो, जो भेदभावपूर्ण ना हो।